मैं अम्बरीश मिश्रा रेउसा से क्षेत्र की सर्वाधिक खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर के गांजरी इलाके में सोमवार को एक युवक की दिमागी बुखार से मौत हो गई। ये युवक एक सप्ताह पूर्व रेउसा क्षेत्र के कस्बा सेवता स्थित अपने घर आया था। तबियत बिगड़ने पर उसे रेउसा के प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए परिजन ले गए। हालात में सुधार न होते देख युवक को लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के दौरान उसमें दिमागी बुखार की पुष्टि हुई। इलाज के दौरान सोमवार को अस्पताल में युवक की मौत हो गई। बताया जाता कि सेवता निवासी परकर्मा यादव का 17 वर्षीय बेटा विनीत यादव कहीं बाहर शहर में मजदूरी करने गया था। एक सप्ताह पूर्व उसकी घर वापसी हुई थी। बुखार की शिकायत पर उसका इलाज कराने परिजन ले गए थे। उधर दिमागी बुखार से सूचना पाकर कस्बा सेवता सहित आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। दिमागी बुखार से मौत की सूचना पाकर सीएचसी रेउसा के नवागत अधीक्षक डॉक्टर विकास कुमार मिश्रा ने डॉक्टरों की टीम गांव भेजकर जांच कराई। जांच के बाद ये पता चला कि युवक बाहर से आया हुआ था, यहां कोई मामला नहीं पाया गया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर विकास कुमार मिश्रा ने आई इंडिया को बताया। देखिए, मामला संज्ञान में आने के बाद तत्काल टीम भेजी गई थी और इसमें ये निकल के आया है कि ये बाहर से आया था, तो मतलब दिल्ली से आया था और उसके बाद जब यहाँ बीमार हुआ है तो तत्काल उनके जो घर वाले हैं उनको बलरामपुर अस्पताल लखनऊ ले गया जहाँ पर उसकी डेथ हुई। बाकी और भी सर्वेलांस किया गया है, आसपास ऐसा कोई बीमारी का कोई इशू नहीं है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।